गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, इन दिस क्लास वी आर डूइंग स्टार एंड द सोलर सिस्टम। दिस क्लास का बनने का अपना नेक्स्ट यूनिट चैप्टर 17 के स्टार्ट किया था, स्टार एंड द सोलर सिस्टम। इन प्रीवियस क्लास we have a celestial object, celestial object के बारे में जो हमने previous class में देखा था, जो कि हमें sky में जो stars, planets, moon, जो कि हमें sky में दिखाई देते हैं, उनके कहलाते हैं celestial object कहलाते हैं। आसमान में जितने भी स्टार, प्लैनेट, मून ये प्रेजेंट हैं, अदर ऑब्जेक्ट जो प्रेजेंट है उनके कहलाते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, ये भी अपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की स्टडी वो क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इसका एस्ट्रोनॉमी। स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एस्ट्रोनॉमी, नेक्स्ट अपना था मून। मून के बारे में हमने देखा था, फिजिक्स ऑफ मून हमने देखी थी, न्यू फॉर्मूला है एंड न्यू मून नाइट और फुल मून नाइट का भी देखा था। न्यू मून नाइट में जो है मून जो है विजिबल हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि फुल मून नाइट में जो है फुल मून विजिबल होता है। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज, अब अपना टॉपिक है आज का स्टार्स। स्टार्स आप सबने देखा, स्टार्स मीनिंग ऑफ स्टार्स इज स्टार, दिखाई देते हैं स्काई में आपको बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स जो हमें आसमान में दिखाई देते हैं। स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्स कैसे, क्या स्टार्स की जो लाइट है, स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए चमकते हुए नाइट में दिखाई देते हैं, तो हमें चमकते हुए दिखाई क्यों देते हैं, तो जो स्टार्स है उनके ओवर लाइट जो लाइट होती है स्टार्स की, वो क्या होती है खुद का उनका प्रकाश होता है। जो सन है, सन भी क्या है, सन भी क्या है स्टार है, एक तारा है। बट जो सन है आपने देखा होगा सन की पोजीशन अभी क्या है, अपन जब नाइट में स्काई में देखते हैं आसमान में देखते हैं तो सन की पोजीशन अभी कैसा है, हमें क्या बड़ा दिखाई देता है, जबकि जो स्टार्स हमें जो है छोटे दिखाई देते हैं। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ बिहाइंड दिस, क्या रीजन है कि जब सन ही एक स्टार है तो हमें इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टार हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। सन की भी जितनी लाइट होती है स्टार्स में भी जो है अपना का प्रकाश होता है, स्टार्स की जो है अपनी खुद की लाइट होती है। बट जो सन है, सन हमारी अर्थ से जो डिस्टेंस है सन वो कम है, जबकि जो स्टार्स है हमसे हमारी अर्थ से क्या है काफी दूर है, दूर होने के कारण हमें क्या वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। यहाँ पे अपनी बुक में एक्टिविटी दी है वो अपन देखेंगे, टेक आउट योर बुक पेज नंबर 100 219। व्हाट अदर ऑब्जेक्ट डू यू सी इन द नाइट स्काई, मून के अलावा अपन ने मून देखा था, मून के अलावा और कौन से ऑब्जेक्ट है जो अपन स्काई में देख सकते हैं, स्काई में हमें दिखाई देते हैं। मून के अलावा हमें रात में दिखाई देता है, स्टार्स हमें दिखाई देते हैं। Observe, there is a large number of stars in the sky. और stars आपको जो है एक number number को दिखाई देते हैं, so many numbers of stars, बहुत सारे numbers जो होते हैं stars के sky में present होते हैं, बहुत सारे uncountable जिन्हें हम count नहीं कर सकते, इतने stars हमें क्या है sky में दिखाई देते हैं, आसमान में दिखाई देते हैं। Observe carefully on a dark night and from a place away from a big city. Are all the stars equally? क्या सभी स्टार्स इक्वली साइज करते हैं या एक जैसे चमकते रहते हैं?
तो आपने देखा होगा नाइट में कुछ स्टार्स ज्यादा शाइनिंग करते हैं, कुछ स्टार्स में कम शाइनिंग करते हुए दिखाई देते हैं। आर्डर का सन कलर क्या उनका कलर सेम होता है, इनफैक्ट स्टार इमिट लाइट ऑफ देयर ओन, अंडरलाइन दिस लाइन, कि स्टार्स की जो होती है जो लाइट होती है वो ओवन में अपने स्वयं की लाइट होती है, दूसरे किसी भी सन से या अदर ऑब्जेक्ट से लाइट एब्जॉर्ब नहीं करते। जैसे सन का अपनी लाइट होती है वैसे ही स्टार्स की क्या है, अपनी स्वयं की लाइट होती है। The sun is also a star. Sun क्या है? Sun भी क्या है? Star है। Why does it appear so large compared to the other stars? तो हमें क्या है? So large means इससे बहुत बड़ा star से बहुत बड़ा sun क्यों दिखाई देता है? यहाँ पे मैंने आपको reason बताया, distance जो है stars की जो है Earth से ज़्यादा है जबकि sun की Earth से distance काफी कम है। Then the stars are million of time further away than the sun. Sun से क्या काफी दूर है। Therefore the stars appear first like point. इसलिए हमें जो है stars हैं काफी छोटे छोटे दिखाई देते हैं। The sun is nearly 150 million kilometer away from the earth. Earth से कितना दूर है sun? Earth से जो sun है वो 150 million kilometer कितनी है स्टार्स की जो डिस्टेंस है कितनी है 40 मिलियन जो है किलोमीटर है। कैन यू रीड दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर कमेंशली? सम स्टार्स आर इवन फर्दर अवे, और कुछ स्टार जो है इससे ज्यादा दूर होते हैं। सच लार्ज डिस्टेंस आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट इज नोन एज लाइट ईयर। दिस डिस्टेंस को हम इसके द्वारा शो करते हैं, जैसे डिस्टेंस की किलोमीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है, वैसे ही जो हमारा लाइट है, लाइट की जो यूनिट है वो क्या होगी? लाइट ईयर। जो डिस्टेंस है स्टार्स की और सन की हमारी अर्थ से, उसको अपन कौन सी यूनिट में आता है? लाइट ईयर उसको बोलते हैं। तो अनदर यूनिट नोन एज लाइट ईयर, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इज इन वन ईयर, और ये क्या है? एक साल में जो लाइट पहुंचती है अर्थ सन की हमारे अर्थ तक, स्टार्स की हमारे अर्थ तक, उसे ये काउंट करती है। रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ लाइट अबाउट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, तो लाइट की स्पीड कितनी है? 300,000 मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। एक सेकेंड में जो है लाइट कितना कवर कर रहा है, कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की जो डिस्टेंस 1 सेकेंड, तो आप देख सकते हो कि लाइट की जो डिस्टेंस कितनी स्पीडली लाइट जो है ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह पर। हम तक जो सन का और स्टार्स की लाइट पहुंच रही है तो कितनी स्पीडली पहुंच रही है, कितनी उनकी स्पीड है, या आपको लर्न करना पड़ेगा स्पीड कितनी है। Thus the distance of the sun from the earth may be said to be about 8 light minutes. The distance of Alpha Centauri is about 4.3 light years. If light from stars take years to reach us, I wonder if you're looking into the past when we look at the star. कि हम जो stars हैं, हम जब stars को देख रहे हैं, जब stars को आने में इतना time लग रहा है, तो हम मतलब हमारे past में देख रहे हैं, तो stars In fact, the stars are present in the sky during the daytime also. तो जो नाइट में हमें मून और स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, वो डे टाइम दिन के समय कहाँ से जाते हैं? क्या होते हैं? वो स्काई में प्रेजेंट होते हैं, आसमान में दिखाई देते हैं, पर हमें दिखाई देते हैं कि आसमान में रहते हैं, हमें विजिबल क्यों नहीं होते स्टार्स? व्हाई स्टार्स आर नॉट विजिबल? बिकॉज रीजन इज इन डे टाइम दिन के समय जो होती है सनलाइट क्या होती है? काफ़ी ब्राइट होती है, सनलाइट काफ़ी तेज होती है, तो तेज लाइट के समय इनकी जो लाइट होती है काफ़ी क्या डिम हो जाती है, जिसके कारण हमें स्काई में जो है जो स्टार्स हैं मून से डे टाइम दिन के समय दिखाई नहीं देते। हाउएवर दे आर नॉट विजिबल देन बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट के कारण, सूर्य के तेज प्रकाश के कारण हमें जो है
स्टार्स जो है इनके स्क्रीन दिखाई नहीं देते। ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट स्टार्स और एक ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई अबाउट 2 आवर और मोर। तो जो हम नाइट में स्टार्स को देखते हैं, हमें कहीं जगह स्टार्स के कुछ स्टार्स एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर रहते हैं, कुछ स्टार्स जो है आपस में एक दूसरे से ग्रुप में जो है अटैच भी रहते हैं। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द पोजिशन ऑफ स्टार्स इन द स्काई? यू विल फाइंड दैट द स्टार्स अपीयर फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। तो इस जो स्टार्स की डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट होती है, हमारे सन की डायरेक्शन क्या होती है, सन राइजेस कौन सी पोजिशन करता है, जो सन राइजेस होता है वो सन राइजेस कौन सी पोजिशन में होता है, सन राइजेस जो है ईस्ट से ईस्ट में क्या होता है राइजेस होगा, वेस्ट में जो है जो सेट होगा। तो इसी तरीके से जो स्टार्स है वो भी ईस्ट से उनकी जो डायरेक्शन होती है ईस्ट टू वेस्ट होती है। तो क्यों होती है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन सन की, आपको पता है हमने प्रीवियस क्लास में देखा है अर्थ है, हमारी अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस पे, एक्सिस पे क्या करती है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेशन करती है। रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है अर्थ अपने एक्सिस पे, 24 hours में, 24 hours में एक दिन में, इसलिए तो नाइट आती है, नाइट पर डे आता है, डे के बाद नाइट आती है। वो किसके कारण होते हैं, अर्थ के अपने एक्सिस पे रोटेशन के कारण जो है डे नाइट बनते हैं। अब जो अर्थ एक्सिस पे अपने रोटेशन कर रही है तो इसके रोटेशन की जो डायरेक्शन होती है अर्थ के रोटेशन की एक्सिस पे रोटेशन की वो डायरेक्शन कैसी होती है, वो डायरेक्शन होती है वेस्ट टू ईस्ट की, वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन होती है। तो जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो जो स्टार्स है वो हमें कैसे दिखाई देंगे, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में दिखाई देते हैं। जबकि हमने देखा है कि जो सन है वह जो है मोशन नहीं करता, जो रेस्ट पोजिशन में सन रहता है। इसके लिए एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कि जब आप बस में या रेलगाड़ी ट्रेन में आप सफ़र करते हैं तो जब ट्रेन स्पीडली चलती है तो आपको जो बाहर का जो ट्रीज वगैरह होते हैं विकल्प होते हैं हमें पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि हमारी ट्रेन की मोशन क्या होती है आगे होती है, तो अपोजिट डायरेक्शन में वो हमें मोशन दिखाई देती है। इसी कारण से वो स्टार्स मोशन टू वेस्ट करती है और हमारे मोशन होती वेस्ट टू ईस्ट होती है। And star which rises in the east in the evening, set in the west in the early morning. जो stars हैं वो कहाँ होते हैं, east में जो होते हैं और कहाँ अस्त होते हैं, set होते हैं, वो early morning जो है west में set हो जाते हैं। Why do star appear to move from east to west? Let us find. Activity 7.7. Stand in the center of the room. The stars rotating in which direction will you observe the moon appear moving? Do you then move in direction opposite to your motion? कि अपन जो एक्सिस पे किसी बॉल को लेकर उसको घुमाते हैं तो बाहर की जो चीजें कहाँ दिखाई देती है वो हमें अपोजिट डायरेक्शन में जो है सेम अपीयर दिखाई देती है। पहले रिकॉल दैट व्हेन शी इज सीन टू मूव इन ट्रेन का नियर बाय ट्री एंड बिल्डिंग अपीयर टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जब हम जाते हैं बाय ट्रेन हम सफर करते हैं ट्रेवल करते हैं तो जो हमें ट्रीज होते हैं बिल्डिंग्स होती है हमें पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं, इसी रीजन के कारण हमें जो है उनकी डायरेक्शन में पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। इफ द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट मींस दैट द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो जो अर्थ का रोटेशन कैसा होगा वेस्ट टू ईस्ट होगा। यहाँ पर एक्टिविटी 7.75 है, एक्टिविटी 7.5 में आप एक अम्ब्रेला ले लें, अम्ब्रेला का मतलब जो है जब हम अम्ब्रेला लेते हैं इस पर अपन कलर लगाते हैं स्टार्स लगाते हैं और जब अपन अम्ब्रेले को रोटेट करते हैं घुमाते हैं तो इनमें जो स्टार्स हैं वो भी क्या है रोटेशन करते हैं घूमने लग जाते हैं, पर इनका एक जो स्टार्स होता है वो क्या उसका रोटेशन नहीं होता है। तो ये स्टार्स कौन सा स्टार्स होता है, पोलर स्टार्स, दिन का नाम सुना आपने, आप जब स्काई में देखते हैं शाम के समय तो नॉर्थन डायरेक्शन जो स्टार शो करता है जो उत्तर दिशा का हमें पता चलता है, आप मेंशन टाइम में जब डायरेक्शन फाइंडिंग के लिए
जो हमारा असिस्टेंट है वो किसको यूज करते हैं, फोटो स्टार्स नाइट इज मीटिंग इज नॉट दे कैन जो सन की पोजीशन देखते हैं डायरेक्शन का पता चलता है कि सन जो राइजिंग सिस्टम होता है और जो है वेस्ट सेकंड वेस्ट होता है जिसके कारण में डायरेक्शन का पता लग जाता है बट नाइट किसी भी पसंद प्रेजेंट नहीं रहता तो ऐसे में हमें नाइट की डायरेक्शन का पता कैसे चलता है नाइट की डायरेक्शन का पता राइट डायरेक्शन का कौन पड़ता है पोलर स्टार पड़ता है तो पोलर स्टार मूवमेंट क्यों नहीं होती क्योंकि जो स्टार्स वो ईस्ट टू वेस्ट की ओर मूवमेंट करते हैं तो पोलर स्टार मूवमेंट क्यों नहीं करता हमें स्थिर पे दिखाई देता है स्टैंड लाइट के समय आवाज आजकल भी हमारे क्लाउडी सीजन है तो नाइट में आप ऑब्जर्व करेंगे तब आप देखेंगे कि पोलर स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है तो व्हाट इज द रीजन जो पोलर स्टार्स है जब स्टार्स मूवमेंट करते हैं ईस्ट टू वेस्ट की ओर तो जो पोलर स्टार की जो डायरेक्शन होती है जो पोजीशन होती है पोलर स्टार्स की जो पोलर स्टार्स की डायरेक्शन पोजीशन होती है वो हाफ होती है पोलर स्टार की हमारे अर्थ की रोटेशन अपने बेस्ट क्वेश्चन भी देखा है जब हमारी अर्थ प्रोटेक्ट करती है तो जो एक्सिस के डायरेक्शन में पोलर स्टार एक्सिस तो जो फिक्स है एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है हमारी अर्थ एक्सिस तो उसका फिक्स है ना एक्सिस थोड़ी रोटेशन करता है तो उसी तरीके से जैसे अम्ब्रेला का अगर अम्ब्रेला का हैंडल पकड़ लेते हैं अम्ब्रेले के ऊपर से अम्ब्रेला जो है वह रोटेशन करता है तो वैसे ही जब अर्थ रोटेशन करती है तो अर्थ का एक्सिस है वो क्या होता है इंजन फिक्स होता है तो जो पोलर स्टार है उसकी डायरेक्शन क्या है जो एक्सिस की डायरेक्शन है इसलिए जो है पोलर स्टार में मूवमेंट करता हुआ नहीं दिखाई देता स्टेबल ही रहता है टेक अम्ब्रेला एंड ओपन इट मेक अबाउट 10 टू 15 स्टार्स आउट ऑफ व्हाइट पेपर जैसे व्हाइट पेपर पे स्टार्स बनाने के उसमें लगा देंगे पेस्ट ऑफ स्टार्स एट द पोजिशन ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ द अम्ब्रेला एंड अदर डिफरेंट places on the cloth near the end of the each spot. Now rotate the umbrella holding center rod in your hand. फिर आप जब umbrella को rotate कराएंगे, तो is there any star does not appear to move? हमें एक move जो एक star ऐसा होगा, जो हमें doesn't move करता और दिखाई नहीं देगा, वो उस star को जो उसके axis के direction में होगा, वो star हमें move करता हुआ दिखाई नहीं देगा. Is there any star that does not appear to move? Where is this स्टार लोकेटेड तो यह लोकेटेड कहाँ होगा यह अर्थ के एक्सिस पे लोकेटेड होगा इफ देयर वर अ स्टार लोकेटेड वेयर द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ मीट द स्काई क्लाउड दिस स्टार आल्सो दिस स्टेशन देयर इज एक्चुअली अ स्टार द पोलर स्टार ये स्टार कौन सा होगा पोलर स्टार होगा क्योंकि एक्सिस के साथ जो है जुड़ा हुआ होगा व्हिच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस इट इज जस्ट नॉट अपीयर टू मूव यह एक्सिस की डायरेक्शन के कारण ही हमें क्या है मूव करना और दिखाई नहीं देता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है कॉन्स्टेलेशन कॉन्स्टेलेशन इज ग्रुप ऑफ स्टार जिसको तारामंडल भी अपन बोलते हैं लुक एट द स्काई फॉर अ समटाइम जो अपन नाइट में भी देखते हैं स्काई में दिखाई देते हैं अलग अलग जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है स्टार्स के हमें ग्रुप्स उसमें दिखाई देते हैं
But then start forming a group that has a personable shape is for positive relation. जो हमें group of star अलग-अलग shapes में दिखाई देते हैं, हमें क्या बोलते हैं? Constellation बोलते हैं. Constellation were devised by ancient people to recognize the stars in the sky. The shape of constellation resembles object familiar to this to those who put on the according to the shape is like a cake. You can easily identify some constellation in the night sky. Night में जो है कुछ constellation group of stars जो है night में रात के समय identify easily कर सकते हैं. And where to look for it? In the night sky, one of the most famous constellation which you can see during in the summer time, that early part of the night is Ursa Major. जो Ursa Major है, वो हमें night में जो है easily दिखाई देता है. It is known as a Big Dipper, Great Bear, or the Saptarishi. इन अपन Big Dipper, Great Bear और Saptarishi भी बोलते हैं. सप्तऋषि क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेवन ग्रुप ऑफ ग्रुप्स होता है, सेवन स्टार्स का ग्रुप होता है, इसलिए सेवन का बोलते हैं सप्तऋषि भी बोलते हैं. सेवन स्टार्स कैसे होते हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और एट सेवन. इस तरीके से सेवन ग्रुप्स का स्टार होता है, उसका अपन उत्साह सेवन स्टार्स का ग्रुप होता है कि नाम उत्साह मेजर या सप्तऋषि भी. There are seven prominent stars in this constellation. Seven stars जो है आपस में constellation में जुड़े हुए होते हैं. It appears like a period and question mark. जो question mark जैसा भी दिखाई देता है. और ये सब लगते हैं इन position की और stars इस types के spoon type में question mark में भी होते हैं. Spoon types से भी इस position दे सकते हैं. It appears like a big ladder of question mark. There are three stars in the handle of the ladder and four in balls. So it is three stars. इसके सबसे शुरू का ये three stars का ये handle है. और four stars जो हैं वो इसके balls type हैं. और ये सब ये हो जाएगा सबसे शुरू का steps जो हैं हमें shape के right में दिखाई देते हैं sky. In all ancient cultures, very interesting mythological stories have been associated with the various constellations. और अलग अलग constellations भी अलग अलग क्या हैं? Stories जो हैं वो भी हैं. उसका मिसाल सप्तऋषि. सप्तऋषि has been associated with the seven well-known ancient Indian sages. In all rishis, a solid figure below. जो इसमें seven sages हैं, उनके बारे में है. According to ancient mythology, seven sages who from the Saptarishi preserved the eternal knowledge of Vedas, explained it to the every new age. ki jo Saptarishi hai, unhone bhi Ved ka knowledge diya tha. Ved ki unhone rachna ki thi Saptarishiyon ne, jinke dwara jo hame aage badhne ki hamesha kya hai information bhi deti hai. Observe this activity 17.6. Observe the constellation for a few hours. We find any change in shape. Yeah. Do you find any change in position? You will observe the shape of constellation in the same. तो हम तो देखते हैं कि उनकी जो position है, तो क्या है कभी भी change नहीं होती, same position भी है देखते हैं. Polar stars और इस type के जो constellation है, वो भी अपने देखा है इसमें. इसी के साथ जो है activity 7.7 ये polar star उसका मेंस हम पोलर स्टार्स की और उसका मॉडल की पोजीशन क्लियर दिख रही है. इस स्टेप से जो है पोजीशन हमारी
फिगर 7.5 में 30 में दिखाई गई है. ड्यूरिंग द समर नाइट ऑब्जर्व सम विजिबिलिटी फॉर टाइम एंड एंटेनन ऑफ थ्री हावर आल्सो लोकेटेड द पोल स्टार इच टाइम. और हम समर में जो है पोल स्टार के आसपास ही क्या है, पोल स्टार के आसपास जो है ऊर्जा मेजर जो है उर्सा मिसर में दिखाई देता है. दस उर्सा मिसर अपने मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट दस इट अवेयर रिवॉल्व अराउंड द पोलर स्टार. ये क्या है, पोलर उर्सा मिसर जो है इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, पोलर स्टार के चारों ओर जो है रिवॉल्व करते हैं. रिवॉल्व करना मीन्स पोलर स्टार के चारों ओर जो है घूमते हैं. कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोस फिगर. तो ये आप जो समर सीजन के अपन से को कर सकते हैं. समर सीजन के इसीलिए हमें लाइफ में स्टार्स वगैरह दिखाई देते हैं, जिससे कि हमें स्टार्स की क्या है पोजिशन का पता लग जाता है. इनफैक्ट ऑल द स्टार्स अपीयर टू रिवॉल्व अराउंड द पोलर स्टार्स. सभी जो स्टार्स हैं वो पोलर स्टार्स के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं. इस सर योर टॉपिक इज कंप्लीट. आप सुनो जो है उसकी डेफिनेशन लर्न अमेरिका कोलर स्टार की और कॉन्स्टेलेशंस की.